Greetings of the day, dear students. In this video, I am going to tell you about the syllabus of English for minor paper for BA1 semester 1 students. इस paper में आपको जो जो पढ़ना है, कौन कौन सा content है, किस तरह का pattern आएगा, इस video में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी. और ये इस session के लिए है 2024-25 for MDU students. इस पेपर में बेटा आपका सिंगल मेजर का पेपर है, ये सिंगल माइनर का, सॉरी, इसको MIC के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा. इसमें 4 क्रेडिट हैं. 4 क्रेडिट का मतलब हफ्ते में 4 दिन आपकी क्लासेस इंग्लिश के माइनर पेपर की लगेंगी. इस पेपर का जो नाम है वो इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री 1 पार्ट करके रहेगा. और इसका सिलेबस जो आपका इस पेपर का है वो कैसा रहेगा, लेट मी टेल यू. पहले कोर्स का नाम इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री 1. इस कोर्स में आपको 4 क्रेडिट रहेंगे, 4 लेक्चर्स, नो ट्यूटोरियल्स एंड नो प्रैक्टिकल्स. तो आपका जो मैक्सिमम पीरियड है आपके वो हफ्ते में 4 रहेंगे. इसमें यूनिट 1 आपका प्रोज सेक्शन रहेगा. फर्स्ट जो आपका एसे है, एजुकेशन प्रोवाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन बाय अब्दुल कलाम. सेकेंड, टोस्टेड इंग्लिश बाय RK नारायण. थर्ड, इन सह्याद्री हिल्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी बाय सुधा मूर्ति. एंड फोर्थ, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसे ओवंस. ये आपका यूनिट 1 है प्रोज. सेकेंड जो आपका यूनिट है वो पोइट्री का रहेगा. फर्स्ट पोएम द क्वालिटी ऑफ मर्सी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. सेकेंड, वुमन वर्क बाय माया एंग्ल्यू. थर्ड, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ बाय आर्थर ह्यूज क्लॉ. एंड फोर्थ वन, सक्सेस इट्स काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकेंसन. ये आपके 2 यूनिट रहेंगे, पहला प्रोज और दूसरा पोइट्री का. चारों पोएम्स बहुत ही ब्यूटिफुल पोएम्स हैं, बहुत ईजी हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में. इसके बाद जो आपका यूनिट 3 है वो आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा. ग्रामर में आपके जो टॉपिक्स हैं वो आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस. इसके बाद यूनिट 4, फ्रेजल वर्ब्स, कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर्स एंड कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स. ये आपकी यूनिट 3 एंड यूनिट 4. यूनिट 3 बेसिकली ऑन ग्रामर टॉपिक्स एंड यूनिट 4 ऑन द फ्रेजल वर्ब्स एंड कॉनकॉर्ड एंड डिटरमाइनर्स. दीज आर ऑल द 4 यूनिट्स. यूनिट 1 प्रोज, यूनिट 2 पोइट्री, यूनिट 3 ग्रामर एंड यूनिट 4 बेसिकली द अदर ग्रामर थिंग्स, द कन्फ्यूज वर्ड्स एंड डिटरमाइनर्स. इसके बाद आपकी कुछ रेफरेंस बुक्स भी बता रही हूँ मैं, जो आपके लिस्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारी बुक्स आपको लेनी पड़े, लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी और आप इनमें से बुक्स की हेल्प से सिलेबस को अपना अच्छे से कर सकते हैं. और जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी आगे वो आपके सिलेबस को भी कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग सेशन. हैव अ गुड डे. थैंक यू.